अस्सलाम वालेकुम, मैं किरात मुनीर इस वक्त आपके साथ प्लेटफॉर्म सब न्यूज़ से बात कर रही हूँ। मैं इस जगह पर आई थी तो मैंने कहा आपको ये दिखाती जाऊँ। ये होटल प्लाजा है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो रूम बुक किया गया है, स्वीट बुक किया गया, वो यहाँ पे किया गया है। इस होटल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ का जो एक स्वीट है उसका पर नाइट का जो किराया है वो $3,700 से स्टार्ट होकर $10,000 तक जाता है। तो मुझे पूछना ये था कि इस वक्त हमारा मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस सैलाब की तबाही से गुजर रहा है, और जो हमारे मुल्क की हालत है कि हमें पैसों की ज़रूरत है शदीद, तो क्या ऐसे मौके पर प्राइम मिनिस्टर को ये बात गवारा करती है कि वो ऐसी महंगी जगह पर आकर ठहरे? क्या ये पैसा हमारी आवाम के काम नहीं आ सकता था, हमारी उस गरीब आवाम के जो कि सैलाब की आफत से इस वक्त गुजर रही है, क्या वो ये उसके काम नहीं आ सकता था? यकीनन आ सकता था। आप लोगों को याद होगा ऐसे 3 साल पहले जैसे कि यूएन का इजलास हुआ था और इमरान खान यहाँ पर आए थे, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने यहाँ पर रोज़ वेलवेट होटल में रहना मुनासिब समझा था और उसका किराया सिर्फ $200 पर नाइट था। तो मुझे आप लोगों को ये दिखाना था कि ये इनके शहाना अंदाज है।